आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे कि कोरल ड्रा पर इस तरह के एरो डिजाइन कैसे करते हैं। तो मैं हूँ गुफरान टाइपिस्ट और आप देख रहे हैं स्किल नॉलेज। वीडियो को पहले ही कर दीजिए लाइक और मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने कोरल ड्रा ओपन कर रखा है। अभी हम सबसे पहले रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद अपनी वर्क एरिया पर कंट्रोल दबा के इस तरह से एक स्क्वायर बना लेना है। इसके बाद पिक टूल पर क्लिक करना है। उसके बाद न्यूमेरिक प्लस को प्रेस करके इसको डबल करना है। डबल करने के बाद एक स्क्वायर को इस तरह से सेंटर तक ले आना है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसके बाद शेप टूल को सिलेक्ट करना है। इसके बाद कंट्रोल दबा के इस पॉइंट को ऐसे कर लेना है। इसके बाद फिर पिक टूल पर क्लिक करना है। उसके बाद फिर न्यूमेरिक प्लस को प्रेस करके इसको डबल करना है। डबल करने के बाद कंट्रोल दबाकर इसके सेंटर पॉइंट को पकड़कर नीचे की तरफ सेंटर में लाकर रख देना है। इसके बाद स्मार्ट फिल टूल को सिलेक्ट करना है। उसके बाद ऊपर वाले इस बॉक्स में डिफॉल्ट कलर अप्लाई कर देना है। उसके बाद पिक टूल पर क्लिक करना है। इसके बाद स्क्वायर को छोड़कर बाकी सब डिलीट कर देना है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसके बाद स्क्वायर को सिलेक्ट करना है, फिर न्यूमेरिक प्लस को प्रेस करके इस बॉक्स को डबल करना है। उसके बाद शिफ्ट दबा के इस तरह से एक को थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। इतना करने के बाद अंदर वाले इस शेप को सिलेक्ट करना है और शिफ्ट दबा के इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। इसके बाद अलग क्लिक करना है और फ्री हैंड टूल को सिलेक्ट करना है। फ्री हैंड टूल लेने के बाद इस बॉक्स के सेंटर से कंट्रोल दबा के एक लाइन खींचना है, जैसा कि आप देख रहे हैं। दोस्तों, ये लाइन हमने क्यों खींचा अभी आप समझ जाएंगे। इसके बाद पिक टूल पर क्लिक करना है। इसके बाद इसको सिलेक्ट करना है। अब इसी पर एक बार और क्लिक करना है। इसके बाद इसके सेंटर पॉइंट को पकड़कर नीचे लाकर इस लाइन के नोड पर रख देना है। इसके बाद अभी हम इसमें कलर को नन कर देते हैं। इतना करने के बाद Alt प्लस F8 को प्रेस करना है। तो यहाँ पर देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन ओपन हो चुका है। अब यहाँ रोटेट में आपको 120 एंगल पर घुमाना है। इसके बाद कॉपीज में आपको 2 लिखना है और सिंपली अप्लाई पर क्लिक कर देना है। इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन को क्लोज कर देना है। बस अब ये कुछ इस तरह से हो चुका है। इसके बाद अलग क्लिक करना है और फ्री हैंड टूल को सिलेक्ट करना है। इसके बाद इस बॉक्स के सेंटर से एक लाइन ऊपर तक खींचना है। इसके बाद फिर से इसी सेंटर से बाएं तरफ एक लाइन खींचना है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसके बाद स्मार्ट फिल टूल को सिलेक्ट करना है। उसके बाद इस तरह से इन सभी में डिफॉल्ट कलर अप्लाई कर देना है। इसके बाद पिक टूल को सिलेक्ट करना है। उसके बाद बचे हुए सभी ऑब्जेक्ट को इस तरह से डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद इस ऊपर वाले पोर्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद वेल्ड ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद कलर को नन कर देना है। बस ये कुछ इस तरह से हो चुका है। इसी तरह नीचे वाले हिस्से को सिलेक्ट करना है। उसके बाद ऊपर वेल्ड ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद अलग क्लिक करना है और रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करना है। इसके बाद कंट्रोल दबा के एक छोटा सा स्क्वायर बना लेना है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसके बाद एंगल ऑफ रोटेशन वाले इस बॉक्स में 4-5 लिख कर एंटर कर देना है। इसके बाद पिक टूल पर क्लिक करना है। अब इस बॉक्स को उठाकर यहाँ पर लाकर अपने हिसाब से एडजस्ट करके इस तरह से रख देना है। इसके बाद फ्री हैंड टूल को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर इस पॉइंट से नीचे तक
एक लाइन खींचना है जैसा कि आप देख रहे हैं। इसके बाद पिक टूल पर क्लिक करना है। पिक टूल लेने के बाद इन सभी को शिफ्ट दबा के सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस जी को प्रेस करके ग्रुप में कर लेना है। उसके बाद अलग क्लिक करना है और स्मार्ट फिल टूल को सिलेक्ट करना है। स्मार्ट फिल टूल लेने के बाद इनमें डिफॉल्ट कलर अप्लाई कर देना है। कलर अप्लाई करने के बाद पिक टूल पर क्लिक करना है। उसके बाद इसमें बचे हुए इस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देना है। इतना करने के बाद इसको इस तरह से सिलेक्ट करना है। सिलेक्शन करने के बाद ऊपर वेल्ड ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों अब ये एरो कुछ इस तरह से हो चुका है। इसके बाद अभी हम जी को प्रेस करके इंटरेक्टिव फिल टूल सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद देखिए कलर फिल्टर करने के बाद पिक टूल पर क्लिक करना है। उसके बाद इसको पूरा सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों इसकी आउटलाइन को नन कर देना है। उसके बाद कंट्रोल प्लस जी को प्रेस करके इसको ग्रुप में कर लेना है। उसके बाद इसी पर एक बार और क्लिक करना है। अब इसके सेंटर पॉइंट को पकड़कर यहां पर इस लाइन के नोड पर रख देना है। अब इसको रोटेट करना है तो Alt प्लस F8 को प्रेस करके ट्रांसफॉर्मेशन ओपन करते हैं। इसके बाद यहाँ पर 120 एंगल पर और नीचे कॉपी में 2 लिख कर अप्लाई कर देना है। इसके बाद इसको यहाँ से क्लोज कर देना है और ये बची हुई लाइन को डिलीट कर देना है। तो दोस्तों अब ये एरो पूरी तरह से रेडी हो चुका है। अगले वीडियो में हम और डिजाइन सीखेंगे। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।